وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبئهم بإحسان إلى يوم الدين.

गैर पड़ोसी रिश्तेदार गैर रिश्तेदार छोटा बड़ा बाप माँ भाई ब्रदर और गैर मुत लोग इन सब को मिला कर बनता है और जब हम इतने सारे लोगों के साथ रहते हैं तो जाहिर है कि इतने सारे लोग एक जगह रहेंगे तो सारे लोगों का दिमाग सोच पसंद नापसंद एक नहीं होती और जब पसंद नापसंद बदल जाती है ख्यालात व नज़रियात बदल जाते हैं दिलचस्पियाँ बदल जाती हैं तो लोगों के दरमियान जो किरदार निकल कर आता है वो भी अलग अलग होता है ऐसे में हम किस अंदाज़ से उनके साथ ज़िंदगी गुजारें तो ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा तो ये है कि हम सारी दुनिया से बेखबर हो के अपनी दुनिया में मस्त रह कर ज़िंदगी गुजारें और एक तरीक़ा ये है कि दूसरे लोगों को साथ लेकर चलें और उनकी ख़ुशी में अपनी ख़ुशी ढूंढें और उनके रंज को अपना रंज मानें ये दो जिंदगियां हैं दो जिंदगियों में जाहिर है कि दो तरह के नज़रियात तो व ख़्याल हैं और आदमी की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत फ़र्क नजरिए की बिना पर ज़रूर आता है तो आज हमने आपके लिए हज़रत श्रै हजाई रदी अल्लाह तुकी की एक हदीस मंतख की है हजरत इमाम कजवीनी अपनी सुनन सुनन इब्न माजा में इस हदीस को ज़िक्र करते हैं हदीस सही है रसूल अक्रम सल वसम फ़रमाते हैं मन क्या वल्बिल आखिर फलीम ज़ैफ़ा यहाँ पर घर के लोगों के मुकाबले में घर से बाहर से आने वाला शख्स जिसको हम मेहमान बोलते हैं जैफ़ बोलते हैं उसका तस्करा किया गया नजरीन इमाम कजवीनी अपनी किताब अबिन माजा में हज़रत श्र खजाई की एक रिवायत नकल करते हैं। इस रिवायत में तीन बातों का हुक्म दिया गया है। एक अपने पड़ोसी के साथ बेहतर सलूक दूसरा मेहमान के साथ बेहतर सलूक और तीसरा हुक्म आम है आप अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखें अगर आप कोई अच्छी बात कह सकते हैं जिससे किसी आदमी का भला हो उसकी तबीयत को मसरत व शमानी हासिल हो तो आप कहिए लेकिन आपके कहने से कोई काम बिगड़ रहा है किसी आदमी की हैसियत मुतासर हो रही है उसको दुख और तकलीफ़ हो रही है तो आपके लिए बेहतर है कि ज़ुबान न खोलें बल्कि खामोश रहें तो रसूल अकरम वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वल तो बिल्ला आखिर फलीम जा रहा तो इला जारह, दो फरमाई ईमान बिल्ला और आखिरत पर ईमान ये दो लफ्ज़ बड़ी अहमियत के हामिल हैं अल्लाह पर आपका यकीन है आप उसको मानते हैं आप ईमान वाले हैं तो आप यह भी यकीन करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक जर्रा बराबर कोई नेकी करता है तो उसका बेहतर बदला अता फरमाता है यह भी यकीन करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जो कुछ अता फरमाता है उसका बदला कभी दुनिया में देता है और कभी आखिरत में देता है आखिरत में जो कुछ भी बदला मिलता है हमें जाहिर है वो ख़ास अहमियत का होता है वो बदला सवाब की सूरत में हो या अल्लाह लब्जत के दिए हुए दर्जे की सूरत में हो गुनाहों से बख्शिश के सूरत में हो या जन्नत में दाखिल करने की सूरत में हो बहरहाल आखिरत में हमें इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है दुनिया में हमें माल मिल जाए पैसा मिल जाए ज़मीन मिल जाए जायदाद मिल जाए इन चीज़ों से हमें फ़ायदा होता है लेकिन आखिरत में आपको ज़मीन दे दी जाए कोई फ़ायदा कोई फ़ायदा नहीं सोना चांदी दे दिया जाए कोई फ़ायदा कोई फ़ायदा नहीं तो रसूल अक्रम सम फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा ईमान अल्लाह पर है और इस बात को तुम जानते हो कि अल्लाह रबुल्जत नेकियों को पसंद करता है और तुम्हारा ईमान इस बात पर है कि एक दिन ये दुनिया फना हो जाएगी और सबको क़यामत के दिन अल्लाह रबुल्ज़त के दरबार में हाजिर होगा और एक एक नेकी का बदला अल्लाह रब्बुल देगा तो तुम्हें चाहिए कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करो और अगर तुम्हारा ईमान नहीं है और तुम आखिरत पर ईमान नहीं रखते तुम्हारी मर्जी है जो चाहो करो फिर तो आखिरत में तुम्हें कोई बदला मिलने वाला है नहीं यहीं दुनिया में जो कुछ भी होगा वो मिल जाएगा तुम्हें बुरा करोगे तो दुनिया वाले तुम्हें आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों उस बुराई का कोई ना कोई नतीजा तुम्हें दिखा देंगे उसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा आखिरत पर तुम्हारा ये ईमान नहीं यकीन नहीं लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ पर हमारा ईमान नहीं यकीन नहीं तो हकीकत में वो है भी नहीं ऐसा नहीं बिजली के खुले हुए तार को जिसमें इलेक्ट्रिक दौड़ रही है हम देखते हैं हमारी आंखें खूब अच्छी तरह से पूरी तवज्जा से उस पर नजर गड़ाती हैं लेकिन उनको कहीं भी बिजली का करंट नजर नहीं आता अब हम यह कह दें कि इसमें करंट नहीं है और उस नंगे तार को हम छू लें तो छूने के बाद जो कुछ भी होगा उसका नतीजा कोई दूसरा नहीं भुगतेगा आप ही भुगतेंगे अपनी जिद और हट धर्मी का नतीजा अपनी हिमाकत और बेवकूफी का नतीजा और जो कुछ किया है उसका नतीजा ऐसे ही क्यामत का मामला है अगर आप क्यामत को नहीं मानते ठीक है मत मानिए लेकिन जब कयामत के दिन आएगा तो उस वक्त अपनी हिमाकत का नतीजा कोई और नहीं आप ही को भुगतना है अपनी बेईमानी का नतीजा कोई और नहीं आप ही भुगतेंगे जो कुछ दुनिया में बदामालियां की हैं उसके बदले में आपके साथ वहां जो कुछ भी होगा फिर पछताए कुछ होगा नहीं आप लाख वावेला करें शोर शराबा करें मुतालबा करें मुझे दोबारा दुनिया में भेजा जाए अब मैंने देख लिया है अब मैं सब कुछ ठीक करूँगा लेकिन दोबारा दुनिया में पलटना आना और जो बुराइयाँ की थी उनके बदले में नेकियां करना यह सब मौका आपको नहीं दिया जाए तो आपका ईमान है आखिरत पर यकीन है तो आपको चाहिए कि अपने पड़ोसी के साथ बेहतर सलूक करें अच्छा सलूक करें पड़ोसी आपका वो फर्द है जो आपके दुख में सुख में किसी दूसरे से पहले सबसे पहले शरीक होता है आपकी खुशी में और आपके गम में आपके घर में कोई तकलीफ कोई परेशानी किसी बच्चे को बच्ची को बूढ़े को जवान को हो जाए रात का वक्त हो तो रिश्तेदारों को बुलाने और उनके आने में कभी इतना वक्त हो सकता है कि मौका निकल जाए हाथ से ऐसे में पड़ोसी ही आपके काम आए तो आपको हमेशा अपने पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए और उसका एहतराम करना चाहिए यहाँ पड़ोसी के बारे में ये नहीं कहा उसको खाना दो पानी दो ये करो वो करो एक उससे बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है फल उक्रम जार अपने पड़ोसी का एहतराम करो इज्जत करो एहतराम करो ज़ाहिर है कि यह लफ्ज़ तमाम तरह के हालात को शामिल है पड़ोसी भी कई तरह के होते हैं कोई पड़ोसी ऐसा है बहुत मालदार है और कोई पड़ोसी ऐसा है कि बहुत गरीब है कोई पड़ोसी ऐसा है कि मुतवसर तबके का है कोई पड़ोसी ऐसा है जो आपका रिश्तेदार भी है आपका हम मजहब भी है और कोई ऐसा है आपका रिश्तेदार भी नहीं आपका हम मजहब भी नहीं लेकिन जो लफ्ज़ शरीयत ने इस्तेमाल किया है उस लफ्ज़ का इतलाक़ तमाम तरह के पड़ोसियों पर होता है पड़ोसी है तो उसका एहतराम करें उसके साथ जुल्म ज्यादी ना करें उसके साथ गाली गलौज ना करें उसके साथ गलत व्यवहार और बर्ताव ना करें और अगर आप नहीं माने इस बात को तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप थूक के आंसू लगा कर रोएंगे पड़ोसी बहुत अहम चीज है हमारे समाज की इसीलिए रसूल अलैहि वसल्लम अपनी एक सही हदीस में इरशाद फरमाते हैं माँ जान सही वर सई हजरत जबरील जब भी मेरे पास आते हैं मुझे अपने पड़ोसी के साथ अच्छा और नेक बर्ताव करने की तलकिन करते हैं बार बार तलकिन करने और हर बार आने पर पड़ोसी के ख्याल रखने का हजरत जबरीलम की तरफ से हुक्म वसीयत मुझे ये सोचने पर मजबूर करने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शरीयत पड़ोसी को वारिस बना देगी क्योंकि इतना ज़्यादा ख्याल रखना इतनी ज़्यादा तलकीन इससे तो लगता है कि पड़ोसी को वारिस बनाया जा रहा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हज़रत जिब्रील रसूल अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ तो लाते हैं हज़रत जिब्रील फरिश्तों के सरदार और आप आलमीन और आखिरी नबी हैं जब भी आते हैं किसी ज़रूरत से आते हैं लेकिन जब भी आते हैं तो अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं और उसी के साथ पड़ोसी का ख्याल रखने उसका एहतराम करने उसकी इज्जत करने का ज़रूर प्रस्ताव रखते हैं हुक्म रखते हैं तलखीन करते हैं पड़ोसी का ख्याल रसूल करम सल्लासम के पड़ोसी जाहिर है कि ये हुक्म जो आपको हो रहा था ये दरक़ीकत आपकी उम्मत को हो रहा क्योंकि जो हुक्म आपके लिए अगर अल्लाह हरबुल्जत ने उसको खास नहीं किया है तो मुखातब आप हैं लेकिन मुराद उम्मत है और अगर अल्लाह इज़्ज़त ने खास कर दिया है तो फिर वो हुक्म आप ही के लिए है उम्मत उसमें शरीक नहीं तो हुक्म दो तरह के हैं शरीयत में रसूल अकरम को जब मुखातब करके कोई बात कही जाती है अगर उसमें खास कर दिया जाए कि ये आपके लिए हुक्म है खालों में तो उसमें कोई दूसरा शरीक नहीं होता लेकिन एक आम हुक्म होता है आपकी उसमें खूसियत नहीं रखी जाती तो वो मुखातब आप होते हैं लेकिन हुक्म वो उम्मत को होता है तो उम्मत के लिए हो ये हुक्म है कि पड़ोसी का ख्याल रखें पड़ोसी तीन तरह के होते हैं आमतौर पर शरीयत ने जिसके तीन हुकूक हमारे ऊपर रखे और एक वो है जिसके दो हुकूक हैं और एक वो है जिसका एक हक है हमारे ऊपर और हक वाले का अगर हम हक नहीं देंगे तो अव्वल तो हम ालिम होंगे फिर हम बेपरवाह कहलाएंगे हम मुजरिम कहलाएंगे क्यों इसलिए कि अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से हमने निभाया नहीं तो जो पड़ोसी जिसके तीन हक हैं हमारे ऊपर वो ऐसा पड़ोसी है जो मुसलमान है हमारा रिश्तेदार है और फिर पड़ोसी है तो एक हक उसका इस्लाम का है एक हक उसका रिश्तेदारी का है और एक हक उसका पड़ोसी का है तो तीन हक हैं उसके एक ऐसा है जिसके दो हक हैं मुसलमान है और हमारा पड़ोसी है रिश्तेदार नहीं है दो हक हैं इसके और एक ऐसा है जिसका एक हक है मुसलमान भी नहीं है रिश्तेदार भी नहीं है लेकिन हमारे पड़ोस में रहता है हिंदू है जैनी है बौद्ध है ईसाई है यहूदी है कोई भी है हमारे पड़ोस में रहता है हमारे ऊपर उसका एक हक है और उस हक के बारे में हमसे यामत में बासपुरुष होगी तो हमें बासपुरुष से बचना है और बचने का एक ही रास्ता है कि हम उसके हक को जाय ना करें रसूल सलम ने इस हदीस में दूसरा हक बतलाया मेहमान का मेहमान दूर से आता है पड़ोसी नहीं होता मुसाफिर होता है कभी कभी बेसर सामान होता है कोई भी सूरत हो उसकी बहुत ज़्यादा दूर से आया हो कम दूर से आया हो रिश्तेदार हो हमारा रिश्तेदार ना हो मालदार हो या फ़कीर हो बहरहाल हर सूरत में वो मेहमान कहलाता है और मेहमान की मेहमानवाजी, उसका ख्याल, उसकी इज्जत उसका एहतराम ये शरीयत का आम हुक्म है इसमें किसी तरह के समझौते की गुंजाइश नहीं मेहमान का ख्याल रखना अम्बिया करामलातसलीम की वो सुनते जारिया है कि किसी भी नबी ने इसमें जर्र बराबर कोताही नहीं की तमाम अम्बिया कराम अपने आने वाले मेहमानों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे कुरान शरीफ में हजरत इब्राहिम सलातम और हजरत लूत सलातसलम इनका तस्करा किया गया है और साफ साफ बतलाया गया है हजरत इब्राहिम सलाम के पास जब अल्लाह रबुलज़त के भेजे हुए फरिश्ते इंसानी शक्ल में पहुँचे तो इतने खुश हुए इतने खुश हुए कि उनके पास उस वक्त कोई और चीज़ उनको खिलाने या पेश करने की थी नहीं तो उनके पास एक बछड़ा था ज़िबाह किया उसको गोश्त निकाला और भूना और फिर अच्छे अंदाज में उसको पेश करिया उनके सामने खाइए ये कौन है नबी है हजरत इब्राहिम आने वाले फरिश्ते इंसानी शक्ल में है इसलिए हजरत खली उनको पहचान नहीं रहे जब वो नहीं खा रहे तो आपको तशवीश हुई क्या बात मैंने ऐसी चीज पेश की जो इनको अच्छी नहीं लगती जिसको ये खाते नहीं या कोई और बात दुश्मन तो नहीं तरह तरह के खदशे दिल में पैदा हो रहे आखिर फरिश्तों ने यह खामोशी तोड़ी फरमाया हम इंसान नहीं हैं आपके रब के भेजे हुए हैं और वहाँ लूत की कौम को सज़ा देने के लिए आए हज़रत इब्राहिम सलाम का ताजुब और आपकी हैरानगी दूर तो हुई लेकिन एक साथ ही में एक परेशानी और लाक हुई हज़रत लूत उनकी बस्ती को ये अजाब करने आए हैं वहाँ तो हजरत लूच भी हैं उनके रिश्तेदार भी हैं और कुछ मुसलमान भी हैं जब आजाब आएगा तो ये लोग भी उसके तहत कहा यह कैसे हो सकता है वहां तो लूत हैं कहा कि हाँ आप घबराइए मत अल्लाह इज्जत ने पूरा इंतजाम किया हुआ है मुसलमानों को हजरत लूत को बिल्कुल बचा लिया जाएगा उन्हें कोई गुजर नहीं पहुँचाई जाएगी कोई तकलीफ नहीं होगी बाकी लोग सजा के मुस्तक हैं सजा पाकर रहेंगे ये अलैहि वसल्लम की तालीमत आप देखें कि पड़ोसी का ख्याल और मेहमान का ख्याल हजरत खदीयतुल्कब्रजी अल्लाह तह की वो हदीस जिसको इमाम बुखारी रमतल ने बुखारी शरीफ में जिक्र किया है जिसमें यह बतलाया गया कि आपकी शान तो ये है जब आपने आकर जिक्र किया कि मुझे अपनी जान का ख़तरा हो रहा है तो हज़रतुल्कब्रा ने उनको बतलाया व्ला का अल्लाह हुआ बता इन कला तसेल राहम और उसी में जिक्र किया तकर सला राहबी और मेहमान वाजी यह आउस, आपके औसाफ हमीदा है आपको कैसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है जिसकी आदत में ये चीज़ शामिल हो पड़ोसी का ख्याल रखे अपने मेहमानों का ख्याल रखे तो वो आदमी बहुत ही बेहतर रबत की रजामंदी और खुशनुदी में ज़िंदगी गुजारने वाला है नाजरीन इस रिवायत में एक चीज़ और जिक्र की गई है और वो है कि अगर आप अच्छी बात कह सकते हैं तो कहिए है। नहीं कह सकते हैं फलियस को खामोश रहिए बिला ज़रूरत बोलना या ऐसा बोल बोलना जिससे दूसरे को परेशानी हो ये नापसंदीदा है और ये आपके लिए वबाल जान बन सकता है इसे परहेज कीजिएगा परवरदिगार हमें और आपको निकमल करने की तो फिर फरमाए नजर यहाँ पर आते हैं हम अपने इस एपिसोड के अख्ताम पर फिर मिलेंगे कि नए मौजू के साथ इस प्रोग्राम में तब तक के लिए अल्लाफ ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें